नागपुर महानगर पालिका ने शहर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों को मार्च महीने से मई महीने तक भर्ती हुए सारे मरीजों का डेटा मांगा है, जिसके बाद अब निजी अस्पतालों ने इस पर आपत्ति जताई है। ऑरेंज सिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनूप मरार ने कहा कि नागपुर के निजी अस्पतालों ने दूसरी लहर में 3/4 मरीजों को ठीक किया। अस्पतालों को शाबाशी देने के बजाय उनको 25,000 मरीजों का डेटा मांगाया जा रहा है। वहीं जिन अस्पतालों की क्षमता 50 बेड के ऊपर है, उन्हें हवा से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा गया है, जिसके लिए पूरा खर्चा अस्पताल को उठाना होगा। ऐसे में सरकार की तरफ से सब्सिडी की मांग भी निजी अस्पताल कर रहे हैं। देखिए कैसा है कि ये 1.5 साल से पूरे नागपुर में, अगर आज के तारीख में महाराष्ट्र स्टेट में नागपुर एक ऐसा पहला शहर है जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज अगर अपन प्रोपोर्शनिटी देखे जाए तो ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, ये सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन वाइज महाराष्ट्र में नागपुर सिटी। इसमें से 3/4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तरफ ने पूरे पेशेंट्स जितने अभी एडमिट हुए थे, ये चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, इसके 3/4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ही ट्रीट की है। पर अभी कुछ कारणों से दूसरी लहर के समय में भी जो भी बहुत सारे कुछ कंप्लेंट्स आए होंगे बिलिंग के रिलेटेड, उसमें वो मुद्दा उठा के कॉरपोरेशन ने सारे हॉस्पिटल्स के लोगों को 25,000 क्योंकि पेशेंट्स का डिटेल्स मंगाया है कि पूरे 25,000 की फाइल। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना यह है कि जितने भी कंप्लेंट्स आए आप उसकी इंक्वायरी एज पर नॉर्म्स एज पर लॉ करिए। गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिसीजन दिया हुआ कि एक ग्रीवेंस कमिटी बनी है जिसमें चाहे वो बिलिंग रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड, अनपेड या पेड बेस, इसके लिए हाई कोर्ट ने कमिटी बनाई है। तो ग्रीवेंस कमिटी के सामने ये पुट अप हो जाना चाहिए जो भी है, क्योंकि हमारा कहना है कि आप कुछ लोगों की इंक्वायरी करने के बजाय आप पूरे समय, अभी अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए थी, उसके बावजूद अभी अपन पूरे 25,000 का डाटा का एनालिसिस करने के बजाय हम सब लोगों ने तीसरी लहर में करना। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि आपने 31 अगस्त 80% 20% का एक रेट कैपिंग का रूल है, 31 अगस्त 2020 का रेट। इसका मुद्दा लेके विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। वो मुद्दा अलग है कि वो क्या, पर जब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आता कोविड के कैपिंग के रिलेटेड, तब तक सारे हॉस्पिटल 80-20 पे फोर्सफुली काम कर रहे थे। इसमें ऐसा हुआ कि 31 अगस्त को आपने जो रेट लगाए हैं तो उस समय के जो खर्चे का अनुमान आपने लगाया होगा, कोई कमेटी ने डाला होगा कि अगर ये 4,000 7,500 9,000 का स्लैब है तो कुछ अनुमान से काम किया होगा, अगर वही अनुमान और वो एक्सपेंसेस उस समय फ्रीज हो जाने चाहिए आइडियली अगर ऐसा रहा तो, क्योंकि आने वाले दिनों में अगस्त 2020 से लेकर अभी आकर आज हम बोलेंगे तो आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन जो चीज़ 12 से 17 रुपए क्यूबिक मीटर से मिलता था वो 30 से 35 रुपए हो गया। दूसरा बायोमेडिकल जो कचरा वेस्ट डिस्पोजल रहता था जहाँ पे उसके 15 से 17 हज़ार रुपये महीने का रेट था, वो आज के तारीख में 2.25-2 लाख रुपये का रेट बिल होने लग गया। पीपी किट का खर्चा ले जाने के लिए वेस्ट डिस्पोजल का बड़ा होगा, बराबर है, पर इस खर्चे को पेशेंट से ना लेने का भी हमारे ऊपर फरमान दिया हुआ है कि आप कैप रेट्स में ही उसको काम करेंगे। तीसरा NMC का जो रजिस्ट्रेशन फीस है, लाइसेंस रिन्यूअल, हॉस्पिटल रिन्यूअल का फीस, जो कि कुछ 10 से 15 हज़ार रहता था, वो सीधा 1.5 लाख पे आ गया। तो ये सब जो चार्जेस आप ये कर रहे हैं और जो कोविड मिटिगेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे कि कोविड के ऊपर कारण ऑक्सीजन लाने के लिए ऑक्सीजन सप्लायर्स को वहाँ से लाना पड़ा, दूर दराज से लाना पड़ा, उसके लिए उसका जो खर्चा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पे करने को लगाया जा रहा है, जबकि उसका चार्जेस हम पेशेंट से रिकवर भी नहीं कर सकते, तो इसका खर्चा कहाँ से निकले आएगा? इसका कंपनसेशन, ये सब जो चीज़ें कंपनसेशन सरकार की तरफ से होनी चाहिए। सरकार ने ये जो खर्चा हुआ ये सरकार एब्जॉर्ब करनी चाहिए, ये हमारा उनसे हमने उनको बोल के अपील की है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ना डाला जाए। साथ में हर रोज़ एक ऑडिटर बैठा रहता है यहाँ पे, तो ऑडिटर बैठा है वो अपना डाटा कलेक्ट करे, डाटा एनालाइज करे, अपने हायर अथॉरिटीज़ को दे और एनालाइज ये करे। उसके पर्याय क्या होता है कि अभी आप बोलेंगे पूरा फॉर्मेट भर के भरिए, डिटेल्स भरिए, तो डॉक्टर क्लरिकल ड्यूटी पे लग गए अभी, जबकि तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए, अभी फ़िलहाल सब लोग क्लरिकल ड्यूटी पे कर रहे हैं। तो इसके ये लेके, ये इशू को लेके अभी हम लोगों ने विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसीलिए अथॉरिटीज़ के सामने ये प्रकट किया कि आप लोग के पास जो भी मुद्दा कंप्लेंट होगा वो ग्रीवेंस कमेटी, जो हाईकोर्ट ने ग्रीवेंस कमेटी, उनके सामने इशू रेज किया जाए, सो दैट कि एक लॉ के हिसाब से एक जस्टिस मिले। ये हमारा 20-30 नहीं,
हॉस्पिटल में अगर 100 बेड है तो 80 बेड सरकार ने कोविड के लिए ब्लॉक करके रखा था, 20 नॉन कोविड के, 80 तो उन्होंने इस पे 80% बेड, अगर ये 80% बेड हमने कोविड के लिए अगर ब्लॉक करके भी रखा है तो इस पे हमको ये मालूम ही नहीं था कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी आपको पुराने इसमें से इफेक्ट से आपको ऑक्सीजन के चार्जेस भी भरने पड़ेंगे, बायोमेडिकल कचरा जो पीपी किट वगैरह जो भी कोविड के लिए निकला इसका भी खर्चा हमको भरना पड़ेगा, एनएमसी का रिन्यूअल एकदम से 110 टाइम्स बढ़ेगा, इसका भी पैसा हमको भरना पड़ेगा, ये तो हमको अगस्त में हमको बताया नहीं था। अगस्त में जब ये जीआर निकला 80-20 का, जिसके लिए हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, वो मैटर रहने के बावजूद यहाँ तक अब लोगों ने काम किया और उसके ऑडिटर यहाँ बैठा हुआ है, ऑडिट कर रहा है कि वो चेक कर रहा है, उसके बाद में अभी जिस तरीके से ये सारे डॉक्टर्स और सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर एनएमसी प्रेशर डाल के इस तरीके से फॉर्मेटिंग डिटेल्स का डाटा कलेक्शन भरना, तो सारे लोग फिलहाल के पीरियड में ये जो इस अंतराल में या तो वो हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर्स को कि भैया आपने अच्छा काम किया, आपने तीन चौथाई नागपुर के पेशेंट्स यानी करीब 25,000 पेशेंट्स को नागपुर में ट्रीट किया प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने, तो एक दो शब्द अच्छे से बोल के और जो लोगों के कुछ कंप्लेंट्स आई है उसके ऊपर आपने लॉ के हिसाब से आप इंक्वायरी करिए, यही हमारा उनसे अनुरोध है, बाकी तो कोई कंप्लेंट नहीं हमको। नहीं, उनका कहना है कि आप लोगों ने सबने वो डिटेल्स देना ही चाहिए, वो डिटेल्स आपको अनिवार्य बनता है। नहीं, वो तो अभी हमको इस दूसरी लहर जो चालू हुई मार्च से लेके अभी तक मांग रहे हैं, अभी आपको बताया कि बीच में उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आपको 50 बेड के हॉस्पिटल एंड अबव, इन लोगों ने अभी ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो आप लोगों ने 1 महीने के अंदर अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा दे, आप लोगों ने अपना सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, खुद आत्मनिर्भर रहना चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगा, ऑक्सीजन प्लांट अगर मेरे जैसे हॉस्पिटल को लगाना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपये लगाने का है, और ऑक्सीजन के चार्जेस आप पेशेंट से ले भी नहीं सकते, इस प्लांट का खर्चा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहाँ से आएगा, तो ये सब जो है कुछ सोच समझ के अगर कोई हॉस्पिटल को आप खोल रहे हैं तो उसको कोई ना कोई तो सब्सिडी, कोई ना कोई हेल्प सरकार के तरफ से हमारी अपेक्षित है, उस ये बात, ये बहुत सारे ये 4-5 पॉइंट है जिसके मुद्दे को लेके हम लोगों ने अथॉरिटीज़ को अनुरोध किया हुआ है, ये हमारी अभी अपेक्षा नहीं थी, ये हमारी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमको लग रहा था कि हमको सरकारी अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें शाबाशी तो भी मिलेगी कि हमने अच्छा किया, पेपर में अभी आएगा कि अच्छा इस बार नागपुर में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नागपुर ही ऐसा पहला शहर है जहाँ प्रोपोर्शन वाइज पॉपुलेशन वाइज बॉम्बे से छोड़ के नागपुर एक पहला शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर बेड ऑक्सीजनेटेड बेड तैयारी थी, जिसमें 3/4 यहाँ कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स नहीं थे, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी आईजीएमसी और एम्स का था, अगर वो उस प्रोपोर्शन में शाबाशी मिलना तो दूर, अभी तो हमें हमको लग रहा है कि हमारे ऊपर पनिशमेंट की जा रही है और इस तरीके का डाटा कलेक्शन और ये करके विच हंटिंग हो रहा है, ऐसा हमारे को लग रहा था।